हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, कि इस टेबल को बनाएं कैसे अपने। तो ध्यान से देखिए, बस इसे आपने 2 से 3 मिनट के अंदर बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब बिल्ड करने से पहले कि आपने को 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि टेन थीटा है। तो जो टेन थीटा है उसका फॉर्मूला क्या हुआ, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। दूसरा सेक थीटा है, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू में क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा, ठीक है। तो ये दो एक दो फॉर्मूले अपने को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, और ये पता होने चाहिए। जैसे कोट है वो टेन का रेसिप्रोकल है, सेक है वो कोस का है, वो सेक है वो साइन का। तो दो फॉर्मूलों से अपने क्या कर लेंगे, इस पूरी टेबल को बिल्ड कर लेंगे सिर्फ 2 सूत्रों से। कैसे करेंगे इसे देखिए, ठीक है। इसके लिए अपने को बस एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक है अपनी कि अपना आज एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम है अपना 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स का अपना क्या है, एग्ज़ाम। और 1 मार्क्स में से अपनी कितनी भी जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी अपने को लिखनी है। तो वो पॉसिबिलिटी लिखते हैं अपने। सबसे पहले अपने क्या कर सकते हैं कि अपने क्या है, मार्क्स आए ही ना, हो सकते हैं लोएस्ट, लोएस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ओके, लोएस्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगी 0। उससे ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 1/4। उससे ज़्यादा क्या आ सकते हैं, 1/2। उससे ज़्यादा क्या आ सकते हैं, 3/4। और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम अपने 1 आउट ऑफ 1, ठीक है, कि 1 से 1 आ सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे और 0 से कम नहीं होंगे, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, बस यहीं से अपनी क्या हो जाएगी, टेबल शुरू हो जाएगी, ठीक है। और टेबल शुरू क्या होगी, अपने को इन सभी का रूट करना है, और वो सभी वैल्यू किसके लिए आ जाएगी, साइन थीटा के लिए। जैसे अगर मैं 0 का रूट करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, 0 डिग्री के लिए। 1/4 का रूट करूँगा तो 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1, और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। अब 10 45 है जैसे, अब मुझे 1/2 का रूट करना है, तो 1 का रूट हो जाएगा 1, 2 का ये लिख देंगे √2, ठीक है। अब 3/4 का रूट करना है तो √3, और जो 4 का रूट है वो क्या आ जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा √3/2। और लास्ट में अपने पास है 1, और 1 का रूट क्या होता है, 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कि जो 0 है तो 0 का रूट करेंगे अगर अपने, तो 0 आ जाएगा। 1/4 का रूट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का रूट करेंगे तो 1/√2, और √3/4, ठीक है। 3/4 का रूट करेंगे तो ये √3, और 4 का रूट हो जाएगा 2, और 1 का रूट क्या आ जाएगा, 1। तो ये वैल्यू जो आई है साइन थीटा के लिए। ये अब वैल्यू निकालनी है कोस थीटा के लिए। कोस थीटा के लिए अगर वैल्यू निकालनी है तो इसको अपने को क्या करना है, रिवर्स। कैसे भाई, सबसे लास्ट में कितना लिखा है, 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, ठीक है। तो साइन की वैल्यू अपनों ने ट्रिक से लिखी, और कोस की वैल्यू के लिए इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ये 1 आ गया, √3/2, 1/√2, 1/2, और 0, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा के लिए वैल्यू लिखनी है। तो टेन थीटा के लिए वैल्यू कैसे लिखेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin/cos। टेन थीटा का फॉर्मूला है sin/cos। तो अपने को क्या करना है, साइन में कोस का क्या करते जाना है, डिवाइड करते जाना है, टेन की वैल्यू आती जाएगी। जैसे 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, 0। 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√3। अब 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करना है, सेम का सेम से डिवाइड करना है, तो 1। अब 1√3/2 है और यहाँ 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, √3/1। और 1 को लिखना कोई कंपलसरी नहीं है अपॉन में, तो ये आएगा √3। और यहाँ आएगा 1/0। 1/0 इज इक्वल टू में है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा के लिए। अब वैल्यू अपने को करनी है कोस थीटा के लिए। कोस थीटा के लिए वैल्यू कैसे करेंगे, टेन थीटा की जो वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, रिवर्स। तो सबसे पहले तो आ जाएगा इनफाइनाइट अपरिभाषित, उसके बाद √3,
उसके बाद एक, उसके बाद एक बटा रूट तीन, और उसके बाद ज़ीरो। तो ये वैल्यू आ जाएगी कोट थीटा के लिए, ठीक है। उसके बाद वैल्यू करनी है अपने को सेक थीटा के लिए। सेक थीटा के लिए वैल्यू निकालेंगे तो अपने को याद होना चाहिए कि जो सेक थीटा वो क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, एक बटा कोस होता है। तो कोस है क्या अपने पास, एक। 0 डिग्री के लिए एक है, तो एक का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, एक। या रूट तीन बटा दो का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, दो बटा रूट तीन। एक बटा रूट दो का उल्टा करेंगे तो रूट दो। एक बटा दो का उल्टा करेंगे दो बटा एक, यानी दो। अब जीरो है, जीरो का मीन है 0/1, और इसका अगर अपने रिवर्स कर, इसका अपने रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/0, और 1/0 इज इक्वल टू में इनफाइनाइट। तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब कोसेक के लिए वैल्यू निकालनी है तो वापस अपने को क्या करना होगा, इसका रिवर्स। तो रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, ये आ जाएगा टू, ये आ जाएगा रूट टू, ये आएगा 2/√3, और ये आ जाएगा 1, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वैल्यू, ये टेबल आपको समझ आ गई होगा। अगर आपको कोई भी स्टेप इसमें समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए अपनों ने इस टेबल को क्या कर लिया है, पूरी तरीके से बनाना सीख लिया, सिर्फ दो फॉर्मूलों की सहायता से। दो फॉर्मूले टेन और सेक का, सिर्फ इन फॉर्मूलों की सहायता से अपनों ने, और ट्रिक की सहायता से पूरी की पूरी टेबल को बनाना सीख लिया, वो भी बिना क्रैम किए। ओके।